कुछ ही मिनट आप लोगों के बीच कुछ कहने का प्रयास करता हूं। कल मैंने चर्चा किया था कबीर पंथ क्या है, कबीर पंथ की शिक्षा क्या है, बच्चे को संस्कार कैसे देना चाहिए, परिवार को घर स्वर्ग, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, इस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास किया था। आज कुछ देर आप लोगों के बीच मैं चर्चा कर रहा हूं जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उस पर थोड़ी चर्चा प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर ने कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे। सदगुरु कबीर कहते हैं, ए आत्मीय बंधुओं सज्जनों, यदि खखा चाहते हो, खा अक्षर के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं, खा मतलब, खखा का मतलब होता है शांति। शांति चाहते हो तो खोरी मनावे, खोरी मतलब होता है गली। गली का मतलब यहाँ है शब्दों के अनुसार से सदगुरु कबीर का संकेत है, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। कल मैंने कहा था यदि अवसर रहा तो मैं वाणी के संयम पर, सदगुरु कबीर के वाणियों के आधार पर, सदगुरु कबीर वाणी को कैसे संचालित करना है, जीवन कैसे बनता और बिगड़ता है वाणी के आधार पर, उस पर मैं बताऊंगा करके। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, खखा चाहे खोरी मनावे, खत्म इच्छाणी तहु दिस धावे। यदि आत्म शांति चाहते हो तो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो, अपने मन को, इंद्रियों को, आंख को, नाक को, जीभ को, चांद को अपने वश में कर लो। यही वश में नहीं होता है इसलिए आदमी नाना प्रकार के कर्म कांड में उलझता है, देवी देवता में, पाखंड में, गुड़ अन्य गंदी आदतों में अपने बेशकीमती कोहिनूर जैसे जिंदगी को यूं ही तमाम बर्बाद कर देता है। अपनी जिंदगी को हम बर्बाद मत करें, अपने जिंदगी को सही दिशा की ओर ले जाए, सही ढंग से जीवन को जिए और अपना जीवन का निर्माण करें। आज अवसर मिला है हम सबको, जिंदगी में हम चार चांद लगा सकते हैं, आज अवसर मिला है हम सबको अपने जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं, आज अवसर मिला है हमको हमारे चेहरे पर एक नए नूर पैदा कर सकते हैं, आज अवसर मिला है हमको शिकायत भरी जिंदगी से हट करके आत्म शांति भरी जिंदगी जी सकते हैं। आदमी अपनी ही बुरे कर्मों के वजह से लाचार और कमजोर बनता चला जाता है, आदमी अपना विकास नहीं कर पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खखा चाहते हो, शांति चाहते हो तो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, क्या खाद्य है क्या अखाद्य है नहीं जानते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, इंद्रिया ही परमार्थी ही विषया ही वर्तन्ते, हे कृष्ण, हे अर्जुन, जो इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो लोग भी कभी कभी असावधान हो जाते हैं और अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। सावधानी की जरूरत है, सतत सावधानी की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पाम आगे पाम पीछे पाम दाएं डाल डेरी पाम पर सो पाम करे सो पाम में, आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह सावधानी की जरूरत। हमारी इंद्रियां कैसे हैं, कभी इधर चल देते हैं, कभी उधर चल देते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल लेते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेते हैं। क्या हम अपने इंद्रियों को अपने अंकुश पे रखे हैं? जब हम अपने ही इंद्रियों को अपने इशारे पर नहीं नचाते हैं, अपने अंकुश पर नहीं चलाते हैं, तो इंद्रियां हमको अपने इशारे पर चलाती है और इंद्रियां जहां के तहां ले जा करके हमको गिराती है, इंद्रिया जहां के तहां ले जाकर के गिरा देती है और जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इतना अवसर मिला था, हमने अवसर यूं ही बेकार कर दिया। हमारा
हमारी इंद्रियां ऐसे हैं जैसे मानो कोई सरसों के पोटली के दाने हों और सरसों के पोटली के दाने यहाँ फूल जाए तो सरसों के पोटली के दाने सरसों के दाने कहीं गलीचे के नीचे चला जाएगा, तो कुछ तखत के नीचे चला जाएगा, कुछ दरार में चला जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा। उन सरसों को दाने को फिर से बटोरना बहुत मुश्किल होगा, फिर से बटोरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपने जिंदगी को सही ढंग से कंट्रोल करके रखें। हम अपने जीवन में संयम की परिभाषा सीखे, बिना संयम के विकास नहीं कर सकते हैं। आज प्रकृति को जितना मनुष्य ने बर्बाद किया है असंयमित होकर के, उतना विकृति किसी ने पैदा नहीं किया है। मनुष्य में संयम नाम की चीज नहीं है, लेकिन जानवरों में संयम होता है, जानवरों में डिसिप्लिन होता है। गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। आदमी कैसा है, आदमी कैसा है, आदमी सब कुछ हजम कर जाता है। जानवरों में डिसिप्लिन है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, और आदमी, आदमी के पास में कोई कंट्रोल नहीं, कोई संयम नहीं। और इंसान है, बुद्धिजीवी प्राणी है, बोलने की तरीका नहीं, बोलने की लज्जा नहीं, घर को नरक का द्वार बना लेता है। ऐसे ऐसे तांडव मचाते हैं, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते हैं, ऐसे वैसे वाणी का प्रयोग करते हैं कि अपने ही पराये हो जाते हैं, अपने ही माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही भाई के दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही पड़ोसी के दुश्मन बन जाते हैं। क्या जिंदगी को नरक तो नहीं बना रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि शांति चाहते हो तो संयम चाहिए, इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों पर संयम। जीवन में एक यही विकास का साधन है, और संयम के बिना विकास नहीं कर सकते, संयम के बिना आत्म उत्थान नहीं कर सकते। जिस आदमी को संयम की परिभाषा पता ना हो, वो आदमी आत्मा के केंद्र तक कैसे पहुंच पाएगा, वो आदमी शांति को कैसे महसूस करेगा। इसलिए संयम पहले चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। सदगुरु कबीर साहब वाणी पर तो इतना शब्द कहे हैं, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाओ। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। सदगुरु कबीर साहब शब्दों पर बोलना शुरू करते हैं तो उनकी वाणी खुलती जाती है, खुलती जाती है, तार पे तार खुलती चली जाती है। वाणी ही तो है, सदगुरु कबीर साहब उन वाणियों के आधार पर, वाणियों के हिसाब से अपने जीवन को कैसे सजाना है, संवारना है, इस पर बहुत ही अच्छा ढंग से कहते हैं। वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो कि रोते हुए को हंसाया जा सकता है और हंसते हुए को रुलाया जा सकता है। वाणी ही एक ऐसा माध्यम है, वाणी में ही कैसे ताकत है, वाणी में ही प्रेम का संचार होता है, जिसके वजह से पराये भी अपने हो जाते हैं। और वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो कि अपने ही पराये बना देता है। वाणी का उपयोग, हमारे जीव एक है, हमारा जीव एक है, लेकिन यदि हम जीव का उपयोग सही नहीं करते हैं तो जीव कहीं का कहीं हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। जीव एक है, काम तीन है, उस जीव से रसपान भी करते हैं, उस जीव से भोजन भी करते हैं, और उस जीव से हम शब्द भी बोलते हैं। उस जीव में हड्डियां भी नहीं है, सावधानी से यूज किया जाए, अगर सावधानी से यूज नहीं किया गया तो जीव दांतों तले दब जाएगा और कुचल जाएगा, खुद कटेगा और खुद जीवन को भी परेशान करेगा। शब्दों का उपयोग, ये जीव का, हमारे आंखें दो है लेकिन काम सिर्फ एक है, देखना। आंखें दो है सिर्फ काम देखना है, नाक दो है सिर्फ सुनना है, कान दो है सिर्फ सुनना है, लेकिन जीव एक है, काम तीन है। आप कैसे उपयोग करते हैं जीव का, कैसे उपयोग करते हैं जीव का, आपके ऊपर है। आप जीव का उपयोग सही करिए। वाणी पर संयम, वाणी पर ही असंयम के वजह से महाभारत युद्ध हुआ है, और वाणी के ही असंयम के वजह से रामायण में सीता हरी जाती है। वाणी पर तो ही असंयम है, महाभारत युद्ध का एक ही कारण है, जब राजसीय यज्ञ करते हैं
पांडव राजमहल बनाते हैं और एक ऐसा राजमहल उसमें उद्धृत किया गया है जहाँ जल थल दिखता है, थल जल दिखता है, जहाँ दीवारें नहीं वहाँ दीवारें दिखती है, जहाँ रास्ते नहीं वहाँ रास्ते दिखते हैं, ऐसा चित्रित किया गया है उस पर। और वहां दुर्योधन आता है, दुर्योधन जैसे ही राजमहल में प्रवेश करता है, राजमहल में प्रवेश करता है तो लोग कहते हैं, उनकी दासियां कहती है, युवराज आगे कीचड़ है, पानी है, मत जाना। दुर्योधन अहंकार के मारे आगे बढ़ता है, कहता है, हट दासी, तुम मुझको समझाओगे। और दुर्योधन आगे बढ़ता है, जैसे आगे बढ़ता है उनको रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं, पानी से लथपथ भरा, पानी से भरा हुआ कीचड़ है, वहाँ उस पानी में गिर जाता है। ऊपर द्रौपदी देख रही है, द्रौपदी ऊपर से कहती है, अंधे के अंधे पुत्र पूरा महाभारत युद्ध का कारण बन जाता है। कोई अंधा आदमी उसको अंधा नहीं कहना चाहिए, अंधा आदमी को अंधा कह करके हम खुद अंधे बनते हैं, अंधा को कभी अंधा नहीं कहना चाहिए, अंधे के अंधे पुत्र कहते हैं। और जैसे ही ये शब्द सुनता है दुर्योधन, उनका अंदर ही अंदर पूरा मचल जाता है और सोच लेता है, क्या है, जिस किसी प्रकार से भी मुझे पांडव का विनाश करना है और पूरा महाभारत युद्ध होता है, कहीं हम सब भी तो अपने घर में महाभारत युद्ध नहीं कर रहे हैं। वाणी पर संयम चाहिए, वाणी पर संयम नहीं कर पाए तो जीवन नरक बन जाएगा। वाणी ऐसा बोलिए कि आपके घर के लोग आपसे प्यार करना शुरू करें। एक जज साहब था, एक जज साहब अपना जजमेंट देता था, कोर्ट में बैठ करके रोज घर में आता, अपने बच्चों को दबाता, अपने पत्नी को दबाता, अपने अंकुश में अपने अंकुश पर नचाता उनको। एक दिन उनके मित्र आ गए उनके घर में, उनके मित्र आए, जज साहब वहां पर नहीं बैठे थे, जज साहब घर पे नहीं थे, उनके मित्र आए तो उनके मित्र अपने मित्र के पत्नी के साथ, बच्चे के साथ बैठ करके अच्छी वार्ताएं कर रहे थे और मस्त प्यार से बातें कर रहे थे, अच्छी अच्छी वार्ताएं चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी, आपस में प्रसन्नता थी, एक दूसरे हंस रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद जज साहब घर में आता है, घर में आते ही उनकी पत्नी अंदर चले जाती है, उनके बच्चे अंदर चले जाते हैं। इतना में उनका मित्र पूछता है, हे मित्रवर, जब मैं आया तो आपकी पत्नी आपके बच्चे मेरे साथ बड़े प्यार से वार्ता कर रहे थे, अच्छी अच्छी वार्ताएं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपके आते ही आपके बच्चे आपकी पत्नी अंदर चले गए, ऐसी क्या बात है? जज साहब कहता है, किसकी हुकूमत है, किसकी हिम्मत है मेरे सामने बैठ करके बातें करें। इतना में उनका मित्र कहता है, हे मित्रवर, आप जज है, अपना जजपना कोर्ट तक ही रखना चाहिए। इतना सुनने के बाद उनकी पत्नी को साहस आता है और उनकी पत्नी कहती है, भाई साहब, अपने मित्र को समझा दीजिए कि जैसे ही कोर्ट में कोर्ट उतार करके आते हैं तो वहां अपना जजपना भी वही छोड़ करके आया करे, यहाँ घर में घर नहीं है, नरक बना करके रखे हैं, हम लोग की बोलतियां बंद कर देते हैं, हम लोग के सामने सामने आ नहीं सकते, हम लोग की हिम्मत नहीं होती है, कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं होता है? आपकी वाणी में वो शक्ति होना चाहिए कि आपके घर में प्रवेश करते ही आपके बच्चे, आपके नाती पोते आपके करीब आकर के बैठे, आपसे प्रेम करें, आपसे बातें करें, अच्छी अच्छी वार्ताएं करें, बल्कि उल्टा ये होता है। और एक दूसरा है, हमारे महाकाव्य रामायण है, रामायण एक ऐसी घटना है जो सब जानते हैं। रामायण में होता क्या है, जब 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं श्री राम लक्ष्मण, और श्री राम लक्ष्मण 14 साल के वनवास जाते हैं तो वनवास के दौरान वहाँ एक स्वर्ण मृग आता है और स्वर्ण मृग को देख करके सीता लुभा जाती है और बोलती है, मुझे यह स्वर्ण मृग चाहिए। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, तुम्हारी भाभी को यह मृग पसंद है, चाहे जिस किसी प्रकार से भी यह मृग लाना होगा, लक्ष्मण कहते हैं, भैया, यह राक्षसों से घिरा जंगल है, स्वर्ण मृग होता नहीं है, इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, इनके इशारे पर नहीं जाना चाहिए, राक्षसों से घिरा जंगल है, कभी भी कुछ भी घटनाएं घट सकती है।
श्री राम बोलते हैं, तुम्हारी भाभी को पसंद है, चाहे जैसे भी हो इसको लाना होगा, चाहे जैसे भी हो। और श्री राम चला जाता है, श्री राम चला जाता है, जैसे ही मारिच को बाण लगता है, और मारिच को बाण लगते ही श्री राम के आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं। सीता कांप जाती है और सीता बोलती है, तुम्हारे भैया विपत्ति में है, चले जाओ, तुम्हारे भैया विपत्ति में है, चले जाओ। लक्ष्मण बोलते हैं, हे माते, मेरे भैया को कोई विपत्ति नहीं हो सकती है, आप मत घबराओ, उनके पास भी इतनी शक्ति है, अपनी रक्षा कर सकते हैं, उसकी चिंता मत करो। बार बार कहने पर लक्ष्मण यही कहता, लक्ष्मण नहीं जाता। तब लक्ष्मण को माता सीता ऐसे ऐसे कटु वचन बोलना शुरू की। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारिया है, उनको कटु वचन बोलने की क्या जरूरत थी। राजा दशरथ के पुत्र वधु है, उनको शब्दों में संयम चाहिए था, शब्दों में लगाम चाहिए था, उन्होंने असंयमित होकर के बोला और ऐसे ऐसे कटु वचन बोले जैसे कोई आदमी शीशा को घोल करके, गर्म शीशा को कानों पर डाले, वैसी ही पीड़ा और वेदना के साथ में तीखे और कड़वे शब्द लक्ष्मण को बोलना शुरू करती है। तुम कुल के नीच हो, कुल के अंगार हो, तुमने और भरत ने पहले ही मीटिंग कर लिया था कि श्री राम को मार लेंगे और सीता को अपना लेंगे, मैं तुम्हारे चंगुल में कभी नहीं फंसने वाली हूँ। ऐसे कटु वचन बोलने की क्या जरूरत है, इतने कटु वचन बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, लक्ष्मण को रहा नहीं जाता है। लक्ष्मण रेखा खींच करके चला जाता है और बोलता है, भाभी तुम्हारी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम इस लक्ष्मण रेखा के अंदर हो। जैसे ही लक्ष्मण जाता है, रावण भिक्षा पात्र लेकर के भिखारी के ब्राह्मण के वेश में भिक्षा पात्र लेकर के आता है और भिक्षा देही करके पुकारता है। माता सीता भिक्षा देना चाहती है लेकिन वो बाहर रह निकलती है। रावण बोलता है, जब तक तुम लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर के भिक्षा ना दो तब तक मैं तुम्हारी भिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ही माता सीता बाहर आती है और उसको रावण हर करके ले जाता है। आप भी यही कटु वचन बोलते हैं, यही कटु वचन के परिणाम ये होता है कि आपके भाई, आपके पड़ोसी, आपके देरान, आपके जेठान, आपके माता पिता आपको इग्नोर कर देते हैं। नहीं चाहिए ऐसे परिवार के सदस्य जो हमारे साथ तीखे और कड़वे वचन बोले। कहीं आप भी तो अपनी जिंदगी को नरक नहीं बना रहे हैं। जानवरों में डिसिप्लिन होता है, जानवरों में संयम होता है, इंसान में ही संयम नहीं है, इंसान असंयमित होता चला जा रहा है। एक जगह एक व्यक्ति मदारी है, मदारी खेल दिखाने के लिए आता है और खेल दिखाता है, मेला अवसर पर खेल दिखाना शुरू करता है, मेला अवसर पर एक दूसरे में खुनाखून हो जाता है, खुनाखून एक दूसरे में कटिबद्ध हो जा रहा है। इतना में मदारी कहता है, बस करो बेटा, सर्प और नेवला अपने अपने झोपड़ी में जाकर के चुप बैठ जाता है। जो जन्म के दुश्मन है उसको भी आदमी ने संयम की परिभाषा सिखला दिया, जो जन्म के दुश्मन है उसको भी आदमी ने संयम की परिभाषा सिखला दिया। और इंसान बुद्धिजीवी प्राणी होकर के असंयमित जीवन जी रहा है। असंयम की परिभाषा कितना जीवन को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद दूसरा उधर से चूहा और बिल्ली आता है, दोनों एक दूसरे में कटिबद्ध हो जाता है, उसको भी कहता है, बस करो बेटा, तुम्हारा भी काम हो गया, वो भी अंदर चला जाता है। इतना संयम जानवरों में, जानवरों को अपने इशारे, खूंखार से खूंखार जानवर, शेर चीता बाघ जैसे जानवर को भी इंसान अपने अंकुश पे नचाता है, अपने इशारे पे नचाता है। और शेर जैसे भी जानवर को भी अपने इशारे पर बैठ जाओ बेटा कहता है, इंसान के ऊपर बैठ जाता है, उनको टच भी नहीं करता है। आदमी में कितना शक्ति है, और आदमी इतना शक्तिशाली होते हुए भी दीन और दरिद्र बना है। आदमी हाथ जोड़ता है, नाक रगड़ता है, भीख मांगता है, कैसे जीवन को बर्बाद करता है। संयम नहीं है, इसलिए संयम की जरूरत है। आदमी बंधुओं, जानवरों में एक संयमित जीवन है। जानवर ने प्रकृति को नहीं बिगाड़ा है, जानवर ने प्रकृति को विकृत नहीं किया है, मनुष्य ही नहीं इस प्रकृति को विकृत किया है। आज हमारे भारत देश में अणु बम, परमाणु बम, ऐसे ऐसे पूरे विश्व में ऐसे ऐसे खतरनाक बम चलते चले जा रहे हैं, क्या इससे देश की सुरक्षा है?
कभी विस्फोट हो पूरा दुनिया लुप्त हो जाएगी, सेकंडों में पूरा दुनिया लुप्त हो सकती है, और ऐसे ऐसे कई कई दुनिया लुप्त हो सकती है, इतना हमारे पास में जहरीले बम रखा गया है। कैसा है तांडव है आदमी पर संयम नहीं, इसकी तो लड़ाइयां हो रही है। संयम की परिभाषा चाहिए। एक एक जगह की घटना है, एक जगह एक व्यक्ति, बड़े बड़े लोग थे, ऑफिसर क्वालिटी के लोग थे, अच्छे अच्छे अफसर थे, उन लोगों के एक मंदिर में प्रवेश करना था, मंदिर में जाना था, तो मंदिर में आते ही उसमें लिखा गया था कि यहाँ कोई भी वस्तु आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते, मोबाइल कैमरा बैग थैला कुछ भी नहीं ले जा सकते, उसमें लिखा था। वो शब्द पढ़ते हैं और वैसे ही सारे सामान, करीब करीब उनके 20 की टीम थी, 20 को 20 लोग, सभी लोग एक जगह सामान रख देते हैं, मोबाइल कीमती से कीमती, कैमरा वीडियो कैमरा सारे सामान एक जगह रख देते हैं, अपने थैले अटैची सारा चीज एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। इतना रखने के बाद में उसकी रक्षा कौन करे, उसके साथ में कुत्ता था, उसके साथ में कुत्ता था। कुत्ता को उन्होंने कहा, बेटा हम लोग मंदिर घूम करके आते हैं, इसका ध्यान रखना, इसकी सुरक्षा करना। कुत्ता वहां पर बैठा है ध्यान, कुत्ता देखने से भी डरावना दिखता है, खूंखार सा, लेकिन शांत बैठा है। करीब करीब मंदिर घूम के आते आते उनको 3 घंटा लग जाता है, कुत्ता वहां से टस का मस नहीं होता है, 1 इंच भी नहीं हिलता है कुत्ता, और उनके सामान जैसे के तैसा है। जानवरों में इतना डिसिप्लिन है, जानवरों में इतना डिसिप्लिन है। हम अपनी गिनती किसमें करना चाहते हैं, हम अपनी गिनती किसमें करना चाहते हैं। हम धार्मिक कहलाते हैं, धर्म की परिभाषा बताते हैं, अच्छे आदमी कहलाते हैं, इंसानियत होनी चाहिए, बड़े लंबे चंदन चोवा लगाते हैं, कंठी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की उपासना करते हैं, कबीर की, गुरु नानक की उपासना करते हैं, लेकिन एक छोटी सी शराब की आदत नहीं छूटती, गुटखा नहीं छूट रहा है, कौन सी भक्ति कर रहे हैं। और आज की भक्ति तो कर्मकांड हो गया है, आज की भक्ति तो टांगा बचाना हो गया है, आज की भक्ति तो दूसरे को परेशान करना हो गया है। अभी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर मैंने देखा, मैं दिल्ली से खुर्जा आ रहा था उसी दिन, तो दिल्ली से खुर्जा आ रहा था, भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा उन बातों को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के रूप में व्यक्त किया कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, इंसान इंसान है, सदगुरु कबीर ने 600 वर्ष पूर्व कह दिए, इसको 625 वर्ष ये बात थे सदगुरु कबीर साहब कहे, उन बातों को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के रूप में प्रारित किया और संविधान बन गया। लेकिन आज भीमराव अम्बेडकर की उस दिन जयंती मनाई जा रही थी, तो ऐसे ऐसे डीजे लगाए गए थे, ऐसे ऐसे हड़कंप मचाया जा रहा था जैसे वहां का जमीन हिल रहा है। क्या भीमराव अम्बेडकर का संविधान में यही है? भीमराव अम्बेडकर के संविधान में यही लिखा जाता है, नवरात्रि होता है, गणेश चतुर्थी आता है, उसमें ऐसे डीजे बजाए जाते हैं जैसे कोई आदमी बगल में कोई हार्ट अटैक का मरीज हो, वही हार्ट दंत तोड़ दे। क्या यही भक्ति है? कर्मकांड से भक्ति नहीं होती है। करीब आज से दो गणेश चतुर्थी के समय 4 महीना पहले की बात है, ये 4-5-6 महीना पहले की बात है। मैं छत्तीसगढ़ में अभी जहां पर रहता हूं, रायपुर से खरोरा एक जगह है, वहां गणेश चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन का प्रोग्राम था, वहां 3 करोड़ का डीजे लगा था, 3 करोड़ का डीजे। क्या ये भक्ति है? और वो भी भक्ति ऐसे होती है, बिना शराब पिए भक्ति नहीं होती है, बिना शराब पिए। एक रामायण प्रवक्ता है, रामायण करने व्याख्या करने वाले बड़े बड़े मंच में बैठते हैं, बड़े बड़े व्यास गद्दी पर बैठते हैं, इधर से पान भी खा रहे हैं, गलगला रहे हैं, मुंह रंगे दिख रहे हैं, शर्म आना चाहिए ऐसे गुरुओं को जो बड़े बड़े व्यास गद्दी पर बैठ करके गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे रामायण वक्ताओं को, ऐसे धार्मिकों को जो शराब और गुटखा अंडा मांस मछली को नहीं छोड़ पाते हैं, अपना ही जीवन नहीं सुधार पाए हैं और दुनिया को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है, ऐसे कर्मकांड से बच करके रहिए। भीमराव अम्बेडकर का संविधान लुप्त हो गया, बस डीजे चल रहा है, तमाशा चल रहा है, खाना पीना पार्टियां चल रही है, इधर से अंडा मांस मछली शराब के भी पार्टियां चल रही है,
इधर से नवरात्रि रहते हैं, नौ दिन उपवास रहते हैं, दसवां दिन मुर्गा मटन चलता है। कौन सी नवरात्रि है? नवरात्रि का अर्थ पहले था पति पत्नी आपस में रहते थे, अपने अपने अलग अलग कमरे में सोते थे, उपवास रहते थे, ध्यान साधना करते थे। पहले नवरात्रि का सिस्टम ये था, आज नवरात्रि का सिस्टम हो गया है फूल पेट भर फल फ्रूट खा लो और आराम से सो जाओ, अंतिम दिन जो बन सके वो भी खा लो, नौ दिन साधना करो और पूरा पूरा 309 दिन साधना करो और 355 दिन जीवन को बर्बाद करो। कौन सी साधना है ये? सद्गुरु कबीर साहब ऐसी साधना, ऐसी संयम की परिभाषा नहीं बताते। जानवरों पे इतना संयमी थे, जानवरों को किसी ने सिखलाया नहीं है, इंसान को सिखलाया जा रहा है। बच्चा जन्म पैदा लेता है तभी से सिखलाया जाता है, तुम ऐसे मत बोलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेते हैं घर में परिवार में, उनको गलत चीज खाना पिलाना सिखाते हैं, गलत चीज खाना पिलाना सिखाते हैं। जब उस दिन समझ में आती है जब आपके बच्चे ही आपके बच्चे शराब पी करके आते हैं और शराब पी करके आ करके अपने ही आपके ही पैर पर जूता उठा करके आपके सिर पर लगाते हैं, तब महसूस होता है मैंने बच्चों को जैसे संस्कार देना चाहिए, बच्चों को जैसे शिक्षा देना चाहिए था, शायद मैंने नहीं दे पाया। वाणी पर संयम। आत्मियों बंधुओं, आपका घर घर है, आपके घर को स्वर्ग बनाइए। वाणी पे इतनी शक्ति है, वाणी पे इतनी शक्ति है, हम जो बोले वो सबके दिल में बैठे, इतना प्यार से प्रेम से बोले। मैं कल भी कहा था कि आदमी की प्रवृत्ति है दूर के लोगों अच्छे लगते हैं, नजदीक के लोग अच्छा नहीं लगते हमको। ये दुख भरी जीवन है और इस दुख भरे जीवन को खुशहाल जिंदगी बनाना आपके हाथों में है। आप चाहे तो जिंदगी करवटें बदल सकते हैं, आप चाहे तो जीवन को अच्छी ओर ले जा सकते हैं, जीवन में तब्दील कर सकते हैं। आप अपने जीवन में स्वर्ग और सिंहासन प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने को तराशिए, तो आप तराशते नहीं है जीवन को, जितना ही जीवन को तराशते हैं उतना ही आपका जीवन कीमती बनता चला जाता है। पानी को तराशने के बाद पानी का कीमत बढ़ सकता है, तो हम तो इंसान हैं। पानी को तराशने के बाद में वही पानी को एक लीटर के बोतल में भर दिया जाता है, 8 रुपये 10 रुपये में जाता है, ऐसा ये मार्का लगा दिया जाता है, 20 रुपये लीटर में जाता है, जगह बदल देते हैं, एयरपोर्ट में चला जाता है, वही पानी 1 लीटर 50 रुपये लीटर में मिलता है। वही पानी को दुबई ले जाकर के बेचो तो वही पानी 200 रुपये लीटर में मिलेगा आपको। वही पानी है, तराश दो, उसका कीमत बढ़ जाता है। जब हमारे भारत देश में बैलर में आता है पेट्रोलियम पदार्थ आता है तो कम रेट में मिलता है, उसको तराशा जाता है, तराशने के बाद में उसका कीमत बढ़ता चला जाता है और जगह में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ से वहां भेजा जाता है और केंद्र सरकार उसमें 32-35% और राज्य सरकार 32-35% टैक्स ठोक करके उसे पैसा वसूल करते हैं और उसका कीमत 113-104 रुपये हो जाता है। जगह बदल दिए, तराश दिया गया, कीमत बढ़ गया। क्या आप तराश करके महान नहीं होना चाहते हैं? आप अपने जिंदगी में अपने जीवन को तराश करके स्वतंत्र और आनंद और प्रसन्नता की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं? क्यों अपने जिंदगी को गलत ओर ले जा करके अपने ही परिवार से आप अपमानित होते हैं, अपने ही बच्चे आपके ही बच्चे आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, आपके ही बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, क्यों ऐसा जिंदगी जीते हैं? जिंदगी में कुछ करिए, कुछ प्राप्त करिए। आज अवसर मिला है माँ बाप की सेवा करिए। आज अवसर मिला है बुढ़ापे में माँ बाप को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बुढ़ापे में आपके माँ बाप को आपकी गाड़ी घोड़े धन दौलत नहीं चाहिए, बुढ़ापे में माँ बाप को आपका प्यार और सम्मान चाहिए। क्या आप माँ बाप को सम्मान और प्यार दे पाते हैं? जीवन में संयम नहीं रहेगा तो नहीं दे पाएंगे। माँ बाप को प्यार दीजिए, माँ बाप को सम्मान दीजिए। जब बुढ़ापे की अवस्था होती है, माता पिता की जर्जरता की अवस्था होती है माता पिता की, तो माता पिता बस बच्चे से चाहते हैं बच्चे मेरे पास आकर के बैठे, मेरे से बात करें। उनको नहीं चाहिए टाकी झाल जाने का मन नहीं है, उनको तीर्थ यात्रा का मन नहीं है, बस यही एक मन में उनके सुकून होता है कि बच्चे मेरे पास आकर के बैठे। और जब जब आप घर से निकलते हैं उनका प्रणाम करके निकलते हैं तो आपकी माँ आपके पिता आपके राह देखते हैं, मेरे बच्चे आ रहे होंगे। वो सुबह से शाम तक आपकी राह देखते हैं और आपको एक खुशनुमा आशीर्वाद मिलता है कि आपके आने की राह आपके माँ बाप देखते हैं। क्या आप माँ बाप को सम्मान देते हैं?
आप तीर्थ है, आप हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से कई त्योहारों में आप किसी मूर्ति की, किसी की फोटो की, किसी भगवान की आप मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है नहीं मिलता है आप ही जानिए। लेकिन माँ बाप की भी पूजा कर लिया करे, उनकी पूजा करेंगे तो आपको निश्चित ही आशीर्वाद मिलेगा। जब बुढ़ापे की अवस्था होती है, जर्जरता की अवस्था होती है, उस बुढ़ापे की अवस्था में त्योहारों में कम से कम आप माँ बाप की पूजा और आरती उतार लिया करते हैं, माँ बाप के गले में हार चढ़ा लिया करते हैं, माँ बाप के चरणों में मत्था टेक लिया करते हैं, तो उनके जीवन में एक सुकून सा जाता है, उनके चेहरे पर एक रौनकता छा जाती है, उनको एक जीने का सहारा मिल जाता है। आज भी मेरे बहू, मेरे बेटे, मेरे नाती पोते मेरे अपने हैं, जो मेरे अपना कहा मानते हैं। यदि आप अपना बुढ़ापा सुखद यात्रा चाहते हैं तो आज इसे शुरू कर दीजिए, आज इसे शुरू कर दीजिए, अपने माँ बाप को सम्मान देना, अन्यथा आपको पश्चाताप के अलावा इस दुनिया से कुछ भी नहीं मिलेगा, आप क्या लेकर के जाएंगे। मत पूजिए देवी और देवता को, कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं पूछते हैं तो वो माँ बाप को पूजा कर लीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मत पूजिए, सदगुरु कबीर साहब ने कभी नहीं कहा है कि मेरी पूजा करना करके, सदगुरु कबीर साहब तो डंके के चोट में कहते हैं, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजो, पहाड़ ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार, सदगुरु कबीर साहब डंके के चोट में कहते हैं। यदि पत्थर की पूजा करने से हरी मिलता है तो उससे अच्छा तो मैं पहाड़ पसाण की पूजा करूं, बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करूं, बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा कर लेना चाहिए, उससे अच्छा तो ये है कि चक्की की पूजा कर लेना चाहिए। चक्की की पूजा करते हैं तो उससे कम से कम आपको पूरे संसार के लोगों को आटा मिलता है, ये डंके की चोट पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। आप जिस माँ बाप है, असली माँ, असली देवी देवता है, उसको तिरस्कृत करते हैं, पूरे दुनिया में कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको देवी देवता नजर नहीं आएगा। जब तक इंसान में आपको देवी देवता नजर नहीं आता है, पूरे दुनिया में आपको कहीं देवी देवता नहीं मिल सकता है। आपके माता पिता में आपको देवी देवता नजर आना चाहिए, आपके बच्चे में आपको देवी देवता नजर आना चाहिए, आपके पड़ोसी में आपको देवी देवता नजर आना चाहिए। आपको तो पत्थरों में देवी देवता नजर आता है, भारत के दुनिया के लोगों को। एक भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों को धर्म स्थान माना जाता है, गंगा स्नान पवित्र स्थल माना जाता है, और जितना विकृत आदमी इस गंगा को अपवित्र करता है, जितना मैला कचरा उसमें फेंका जाता है, ये हमारा धार्मिक देश है। आप अन्य देशों में चले जाइए, नदियों में गंदगी नहीं रहती है, जहां देवी देवता नहीं मानते नदियों को, जहां तीर्थ स्थल नहीं मानते नदियों को, लेकिन वहां के नदियों में गंदगी नहीं होती है। एक भारत देश है जिसे भगवान भी मानते हैं और उसमें टट्टी पेशाब भी करते हैं, उसमें थूकते भी है। कौन सी इष्ट की पूजा है आपकी? जीवन में संयम चाहिए, संयम चाहिए। लोग बड़े चाव के साथ, स्नान के साथ गंगा पूजा करते हैं। हम करीब करीब 17 साल हो गए इलाहाबाद में रहते रहते, आज तक हमें उसमें पैर धोना भी नसीब नहीं समझते हैं। क्यों? इसका कारण बता देता हूं आपको। आप कानपुर से निकलेंगे तो कानपुर के सारे चमड़े मिलके पानी पूरे गंगा में प्रवेश करता है, और जैसे ही इलाहाबाद में आते हैं तो इलाहाबाद का पूरा सीवर लाइन का पानी, पूरा का पूरा सीवर लाइन का पानी गंगा में जाता है। हमारे आश्रम से 1 किलोमीटर बगल में फिल्टर लगा हुआ है, और उसमें फिल्टर किया जाता है, सिर्फ कचड़े को फिल्टर किया जाता है, पानी फिल्टर नहीं किया जाता है, कचड़े को सिर्फ निकाला जाता है और गंगा मैला पानी को उसमें गंगा में डाला जाता है। कैसे पवित्र गंगा है। आप हरिद्वार से गंगा को निकलते देखेंगे, हरिद्वार में एक सिक्का भी फेंकेंगे तो वहां का पानी साफ और पवित्र दिखाई देता है, हरिद्वार का पानी साफ और पवित्र दिखाई देता है। और एक ऐसा आपका भारत देश है जहां संगम, गंगा स्नान, प्रयागराज को मुख्य स्थल माना जाता है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, मैं आपको सत्य से भली भांति परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूं, सत्य से परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप उससे हट जाए, मेरा उद्देश्य है आप सत्य को समझे, मेरा उद्देश्य है अपने जीवन में डिसिप्लिन, एक नियम पैदा करिए, अपने जीवन में एक संचालित करिए सही दिशा की ओर ले जाने के लिए। अपने आप में मजबूत बनिए, अपने आप में कमजोर मत रहिए। आप आदमी ही कैसे शक्तिशाली है, जब पानी में डूबता है तो हजारों किलोमीटर दूर निकलता है, आकाश में उड़ता है तो कई कई हजार किलोमीटर यात्रा तय करता है, तब नीचे आता है। आदमी के पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति होते हुए भी छोटे छोटे बातों के लिए नाक रगड़ता रहता है,
इंसान है ना, इंसानियत होनी चाहिए। सदगुरु कबीर का विचार ऐसा ही है, हम अपने कर्मों को सामने रखे, हाँ अपना कर्म सही होगा तो हमारा विचार सही होगा, विचार सही होगा तो कर्म सही होगा, कर्म के आधार पर जीवन का निर्माण होता है। कल भी इस पर मैं कहा था, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी ना जाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, हम कौन सा कर्म करते हैं, कर्म तो गलत करते हैं और चाहते अच्छा है। बोते हैं बबूल का पेड़ और चाहते हैं आम का फल, कैसे होगा, ये संभव नहीं है। आप दूसरे के जीवन में जो बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं, ये मनुष्य का नियम, ये प्रकृति का नियम ये है। आप क्या बोते हैं जीवन में, गलत चीज तो नहीं बो रहे हैं, गलत चीजों को तो बीज नहीं रोपा जा रहा है। यदि आपको प्रेम नहीं मिल रहा है तो आप, जैसे आप अभी आपके क्षेत्र में गेहूं का फसल लगाया गया है तो गेहूं का फसल लगाया गया है तो गेहूं ही काटेंगे। यदि आपको धान का फसल काटना होगा तो गेहूं के बीज को बदल करके धान का बीज रोपना होगा। आपके जीवन में यदि अशांति आ रही है तो शांति के बीज बोइए, अशांति के बीज हटा दीजिए। आप सुख चाहते हैं दुख देना बंद कर दीजिए, शांति चाहते हैं तो किसी को अशांत करना बंद कर दीजिए, किसी को पीड़ा देना बंद कर दीजिए। यदि हम खुद गलत ओर जाते हैं तो हम खुद गलत होते हैं। हम जब अच्छे होते हैं तो हम दूसरों को भी वही चीज देते हैं। जैसे माचिस की तिल्ली होती है तो माचिस की तिल्ली खुद जलती है तब दूसरे को जलाती है। सदगुरु कबीर साहब के मैंने एक पंक्ति कहा था, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, आवरण को शीतल करे आपो ही शीतल होए। ऐसे वाणी का उपयोग करिए कि आपको ही अपना खुद शीतलता मिले, औरों को शीतलता मिले। कैसे, ये समझ में आ जाएगी आपके बात के। आपके हर घर में फ्रिज होगा और हर घर में फ्रिज होगा, आप फ्रिज से एक बर्फ का गोला निकालते हैं और बर्फ का गोला निकाल करके एक पात्र में रखते हैं। उस पात्र में रखते ही वह पात्र को पहले ठंडा करता है, उसके बाद में आभा मंडल को ठंडा करता है। आपने बर्फ डाला, पात्र को ठंडा किया, पात्र को ठंडा करने के बाद में आभा मंडल को ठंडा किया वो बर्फ, लेकिन वही बर्फ को हटा देते हैं, बर्फ को फेंक देते हैं और उसमें कोयला का अंगारा डाल देते हैं। कोयला का अंगारा डालते हैं तो पहले वो पात्र गर्म होता है, पात्र जलता है तब दूसरों को जलाता है। यदि आप शीतल बोलते हैं तो आपके सबसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा लाभ पहले आपको होता है, आपका मन शांत होता है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं, खुद को ज्यादा लाभ होता है। इसलिए अपने लाभ के लिए तो करे कम से कम, दूसरों के लिए नहीं कर सकते तो अपने विकास के लिए करे कम से कम। जीवन में इसलिए संयम चाहिए, संयम चाहिए। बिना संयम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मन को कभी रोकना नहीं चाहिए, और बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैं सुना हूं बड़े बड़े प्रवक्ताओं का विचार सुना हूं, कहते हैं मन को कभी नहीं रोकना चाहिए। क्या मंदिर में गए वो व्यक्ति और मंदिर में जाने के बाद में उनके विचार में, उनके मस्तिष्क में, दिमाग में काम वासना का विचार आ गया, क्या मन को नहीं रोकता है वो? मंदिर में गया है और मंदिर में जाते ही कोई आदमी गलत कर रहा है, उनको गाली नहीं दे सकता, नहीं रोकता है? एक आदमी मस्जिद में गया है और मस्जिद में जाकर के भगवान की जयकारा लगाए तो चलेगा? वो भगवान को मानता है, श्री राम को, कृष्ण को मानता है, मस्जिद में जाकर के श्री राम भगवान की जय बुलाएगा? वो नहीं बुला सकता। मन को नहीं रोकता है, मन को रोकना पड़ता है, मन को सही दिशा में ले जाना पड़ता है, मन को संचालित करना पड़ता है। जब मन को हम संचालित नहीं करते हैं तो मन हमको संचालित करता है। मन को सही दिशा में हम खुद नहीं ले जा पाते हैं तो फिर मन हमको गलत दिशा में ले जाता है। जब इंद्रियों को हम अपने अंकुश पे नहीं रखते हैं तो इंद्रियां हमको अपने अंकुश पर नचाती है और इंद्रियां जहां के तहां ले जा करके गिराती है। जब हम खाना शुरू करते हैं अंदर से जवाब आ जाता है बस करो बस करो, लेकिन बाहर से एक अच्छा सा गुलाब जामुन आता है, मन कहता है थोड़ा और खा लो, अंदर कह रहा है मत करो मत खाओ, पेट फुल हो चुका है, लेकिन लालच लोभवश दो गुलाब जामुन और खा लेते हैं, और खा लेते हैं, संयम नहीं है। जब कोई चित्र देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, आंखों से चुभन हो रही है,
आंखों से चुभन हो रही है, लेकिन मन कहता है थोड़ा और देख लो, थोड़ा और देख लो क्या होता है। जब हम कोई चीज पीना शुरू करते हैं, गंदे चीज, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा पीना शुरू करते हैं, तो मन कहता है छोड़ दो, लेकिन फिर मन कहता है नहीं पी लो, आपके ऊपर। जब जब आप गलत चीज करते हैं, तब तब आपको एक नया अवसर मिलता है। जब जब आप सिगरेट के लिए माचिस जलाते हैं, तब आपके ऊपर अवसर रहता है कि आज छोड़ दूं तो हमेशा के लिए छोड़ सकता हूं। लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं, माचिस जलाते हैं, धुआं अंदर चला जाता है। आपको रोज नया सवेरा मिलता है, आपको रोज नया सवेरा मिलता है कि हम जिंदगी को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। हम जिंदगी को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं और सही हमारा शेष बचे जीवन को अच्छे ढंग से हम जिए। आज अवसर मिला है, उस जीवन को सही ढंग से जिए। एक आदमी नदी के किनारे बैठा है और नदी के किनारे बैठा है, सुबह सुबह 5 बजे की बात है, नदी के किनारे बैठ करके एक नदी के किनारे बैठ करके अंधेरा है, अंधेरा हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा है, वहां पर एक कांच की गोलियां थी, उन कांच की गोलियों को नदी पे फेंक रहा है। जैसे ही कांच की गोलियां नदी पर जाता है, तरंगायित होता है, एक बार, दो बार, तीन बार पानी में डुबकी लगाते हुए आगे बढ़ता है। उनको बड़ा आनंद आ रहा है। काफी लंबे समय तक वैसे फेंक रहा है, फेंकते फेंकते जब सुबह सुबह 7 बजता है, तो 7 बजने के बाद में देखता है कि प्रकाश हो गई। जैसे ही फिर उठाता है वो कांच की गोलियां, तो उनके पास में शेष 2 कांच की गोलियां बचता है। वो देखता है ये साधारण कांच नहीं है, ये तो बेशकीमती लगता है। वो दुकान में जाता है, पूछता है भैया ये क्या है? लोग कहते हैं ये एक हीरा है। वो आदमी उन कांच के गोलियों पर जहवीरी के पास में जाता है, उन कांच के गोलियों को बदल देता है और अपने जीवन में 4 चांद लगा लेता है। वो कांच की गोलियां आप सबके पास है। आपने अपनी जिंदगी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल जितना जी लिया है, आपकी जिंदगी यदि गलत ढंग से दोहन कर दिए आपने, कोई बात नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी आपके पास समय बचा है, जो शेष समय बचा है उसमें आप जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। आप आज जो शेष समय बचा है उसी में परिवार के लोगों को अपना बना सकते हैं। आप आज जो समय बचा है उसको आप जीवन में एक नए 4 चांद लगा सकते हैं। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? पूजा और पाठ के बल पर मत अटके रही आत्मी बंधुओं, में बार बार इस चीज पर कहता हूं, क्योंकि पूजा और पाठ के बल पर आज दुनिया के लोग बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। और इसको बर्बाद करने वाले हम जैसे धार्मिक लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यास गति में बैठ करके जीवन में आचरण में कोई ठिकाना नहीं है, छिछलापन है जीवन, नरक की जिंदगी खुद जीते हैं, हमारे जैसे व्यास गति में बैठे लोग और लोगों से वसूली बस करते हैं, यहाँ यज्ञ करो, यहाँ हवन करो, यहाँ तर्पण करो, ये तीर्थ यात्रा करो, वो तीर्थ यात्रा करो, यहाँ यज्ञ जलाओ, यहाँ ज्योत जलाओ, आदमी को खाने पीने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, और यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर देव निष्ठान फूक दिए जाते हैं, घी जला दिए जाते हैं। क्या यही धर्म की परिभाषा है? आज का मतलब आपको बताऊं, आज का मतलब आपका जीवन का बचा शेष दिन का प्रथम दिन, आज का मतलब आपके शेष बचे जीवन का प्रथम दिन होगा आज। हर रोज आपके लिए आएगा आपके शेष बचे जीवन का प्रथम दिन। आप जिंदगी में रौनकता ला सकते हैं। आप सभी से फिर से निवेदन कर रहा हूं, ये अंगूठियों के चाल में मत फंसना, अंगूठी से कुछ नहीं होता है, ताबीज के जाल में मत फंसना। वो जो ताबीज बेचने वाले हैं, अंगूठी बेचने वाले हैं, बेचारे खुद कमजोर लोग होते हैं, उनको बेचारे को पैसा चाहिए, उनका व्यापार चलता है, आप जैसे हम जैसे गधे लोग उसमें जाकर के फंस जाते हैं। सीधी सीधी कड़वी बात कहा जाए तो अंगूठी से, ताबीज से किसी का जीवन और तकदीर नहीं बदलता है, अंगूठी और ताबीज से किसी का नक्शे नहीं बदले जाते हैं। कर्म करो, जीवन के तकदीर बदलेंगे। कर्म करो, अपने आप में खुद जीवन का निर्माण करो, अपना कर्म करो, अपना तकदीर खुद लिखो।
आपके हाथों में है, आपके हाथ में है। बड़े बड़े लोग हैं जो लगन मुहूर्त देखते हैं, बड़े बड़े लोग लगन मुहूर्त देखते हैं। और आप लोगों से पुनः एक चीज और कहूं, लगन मुहूर्त के चक्कर में कभी मत फंसना। लगन मुहूर्त कहने वाले यदि आप भारतीय परंपरा के लोग हैं, तो श्री राम जी की शादी तीन मूर्धन्य विद्वानों ने सोचा था, तीन मूर्धन्य विद्वानों ने सोचा था श्री राम जी की शादी का लगन निकाला था। लेकिन श्री राम जी कभी भी पल भर सुख नहीं पाए, वन वन भटकते रहे, वन वन भटकते रहे। अंतिम में पत्नी विवाह हो गई, पत्नी अपने आप में आत्मदाह कर ले, अपने अग्नि में प्रवेश कर लेती है, पिता अलग चला जाता है, पिता तड़पते मर जा तड़प तड़प करके मर जाता है। कौन सा सुकून मिला? मुहूर्त निकालने पर कभी जीवन में अब सुकून नहीं होना चाहिए ना, मुहूर्त निकालने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मुहूर्त निकालने से फायदा क्या होता है? मुहूर्त निकालने से पंडे पुजारी टेंट टेंट वाले को, पंडे को, पुजारी को और जो गृह सज्जा होता है उन लोगों को फायदा होता है। मुहूर्त के समय वो अपना रेट हाई फाई कर देते हैं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो हमारा दूसरा ऑर्डर आ रहा है। इसलिए जब पंडे पुजारी कहते हैं कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, उसी समय करना चाहिए आपको। लोग कहा करते हैं मंगल बुध उत्तर दिश काला, क्या मंगल बुध तक हमारे भारत देश में रेल ट्रेनें नहीं चलती है? हजारों ट्रेनें मंगल बुध को उत्तर दिशा में चलती है, कुछ नहीं होता है। आप क्यों इसमें चक्कर में पड़ते हैं? ये कमजोर बुद्धि के लोग हैं जो लोगों को फंसाते हैं और मूर्ख लोग उसमें जाकर के फंसते हैं। आत्मीय बंधुओं, कड़वे शब्द का उपयोग मैं किसी के लिए कर रही हूं, आप अच्छे हैं, आप सारे लोग अच्छे हैं बैठे हैं और इस दुनिया में जितने लोग हैं सब अच्छे हैं। हमारा कर्म खराब है, कर्म को सुधारे तो जीवन बदल जाएगा, कर्म को सही करे तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। कर्म खराब नहीं, पैसे और शक्ति आपको मिला है, समय और शक्ति मिला है, उसका सही दोहन करें। जीवन में आप परिवर्तन करिए, आपका जीवन बदलता चला जाएगा। सद्गुरु कबीर के मैंने वाणी शुरू की थी, सद्गुरु कबीर साहब की एक पंक्ति पर मैंने कहा, खखा चाहे खोरी बनावे, जो खखा चाहते हो, शांति चाहते हो तो खोरी अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। आपकी इंद्रियां इतनी संचालित होनी चाहिए कि आप जिधर कहे उधर ही आपके आंखें देखे, जिधर कहे उधर ही आपका पैर आगे बढ़े, जिधर कहे उधर के लिए आपके हाथ इशारे करे, जिधर कहे वो जो चीज कहे आपका अंदर से स्वीकार हो, वही चीज आप अंदर इंक्लूड करे। आप में इतना संयम होना चाहिए, इतना संयम होना चाहिए तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। और ऐसे ही विचार आप लोग सुनना चाहते हैं तो और आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, हमारे गुरुदेव जी सद्गुरु बिलास साहेब जी के विचार उसमें चैनल में आता है। आप मेरे ही नाम से सर्च करेंगे तो सभी संतों को विचार उसमें, हमारे इलाहाबाद से जितने भी पूज्य गुरुजन है सभी का विचार उसमें, और मेरा भी कुछ विचार उस पे है, आप उसमें सुन सकते हैं। मेरे नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनी मधुमंगलमय संत समाज, आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
मेरा मेरा ये चिड़िया रहन बसेरा।
Yeah.